हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम कैसे क्रिएट करते हैं, जिसमें हमको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या करना है, हमको बनाना है। ठीक है, जिसमें हमको सम गिवन है और क्या गिवन है, हमको प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो हमको सम दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट हमको दे रखा है -1। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, वो हमको कितना दे रखा है यहाँ पे 1/4। ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, जीरोस का प्रोडक्ट वो आपको गिवन है -1। ठीक है, हम सम ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा से। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम अल्फ़ा डॉट बीटा से। हमने एज्यूम कर लिया है कि लेट आपका जो पहला जीरो है वो अल्फ़ा है और सेकेंड जो जीरो है वो हमारा क्या है, बीटा है। ठीक है, तो कल मैंने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला देखा बताया था पिछले वीडियो में कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो आपका यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/4, तो यहाँ हो जाएगा 1/4। ठीक है, इंटू में कौन है एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ हो जाएगा -1। तो p ऑफ x जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो p ऑफ x इक्वल्स टू आपका 4 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस का 1। चाहो तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो 1/4 ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 4x² सॉरी ये माइनस का 4x² माइनस एक्स माइनस का 4। तो ये जो हमारा 4x² माइनस एक्स और माइनस 4 है, ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको देखो डायरेक्ट करते हैं हम थोड़ा, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2। ठीक है, और अल्फा डॉट बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा है 1/3। ठीक है, आपको क्या लगाना है यहाँ पे फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला क्या था, पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका √2 एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना है मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। तो ये हो जाएगा आपका पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे चाहो तो आप एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आप 1/3 बाहर कर लो, तो यहाँ इक्वेशन क्या बचेगी आपकी 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा वो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें हमको दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका क्या है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा डॉट बीटा वो कितना है हमारा √3। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला क्या था, पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो यहाँ से पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना है √3। तो आपका पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 0 का एक्स में मल्टीप्लाई तो 0, केवल क्या बचेगा यहाँ पे √3। तो यहाँ से आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √3। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है 1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा डॉट बीटा भी वो हमारा कितना है 1। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा।
या प्रोडक्ट ऑफ क्या बोल सकते हैं इसको, जीरोस। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है वन, तो वन इंटू एक्स, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है वन। तो यहाँ से हो जाएगा आपका पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वन का एक्स में मल्टीप्लाई तो एक्स प्लस वन। तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसमें दिया हुआ है आपको अल्फा प्लस बीटा, या आप बोल सकते हो सम ऑफ जीरोस, वो कितना दे रखा है आपको माइनस वन बाई फोर, ठीक है। और अल्फा डॉट बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है आपको प्लस का वन बाय फोर, ठीक है। हमको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है तो वो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का वन बाय फोर इंटू क्या हो जाएगा एक्स, प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना है आपका वन बाय फोर। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन बाय फोर एक्स प्लस कितना वन बाय फोर, ठीक है। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो तो आपके एलसीएम में आ जाएगा फोर, तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ से वन बाय फोर बाहर कर लो, तो यहाँ बचेगा आपका फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये जो आपका फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो होगा वो हो जाएगा हमारा क्या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिंपल है सेम एज इट इज़। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका फोर, अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे वन, ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका फोर इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना है आपका वन। तो यहाँ से आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड।